फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में लड़के लड़कियों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है, वो बहुत इंतज़ार करते रहते हैं। और फर्स्ट टाइम सेक्स के बारे में क्यूरियोसिटी बहुत है, इंतज़ार बहुत है, डर भी बहुत लगता है। देखिए, फर्स्ट टाइम सेक्स जब करते हैं तो ये लड़कियों ने देखना है कि भाई उन्हें रिस्क नहीं लेने की है, क्योंकि आप रिस्क लेते हैं तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी हो जाएंगी एक ही सेक्स में। तो वो देखना जरूरी है कि शादी के पहले यदि आप सेक्स कर रहे हैं तो आपको वो सेफ्टी लेना जरूरी है। फिर दोनों की इच्छा होना भी जरूरी है, कि दोनों की इच्छा नहीं है तो फिर सेक्स नहीं होगा। मतलब ज़बरदस्ती करके सेक्स होता नहीं है, तो दोनों की इच्छा है और दोनों ने सेक्स के पहले अराउज होना जरूरी है। और अराउज कब हो सकता है कि भाई काम क्रीड़ा दोनों ने की हुई है, फोर प्ले किया हुआ है और दोनों इनफ अराउज है तो ये भी हो सकता है। क्या है कि फर्स्ट टाइम जो है इट मे नॉट बी द बेस्ट टाइम। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इज़ ए फेल टाइम, मतलब आप फर्स्ट टाइम जो है वो एक फेल टाइम हो सकता है, उसमें आप फेल हो सकते हो। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम के पहले बहुत बार फेल्योर हो चुके रहते हैं, फेल के अटेम्प्ट हो चुके रहते हैं। मेरे पास में ऐसे आते हैं कपल्स, छः छः महीने तक वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और उनको नहीं जम रहा है सेक्स, और अभी उनको ऐसा लगता है कि अभी संभव ही नहीं है। जस्ट अज्ञान है, पता नहीं कैसे करना है, क्या करना है मालूम नहीं है, डर है और उसकी वजह से सेक्स होता ही नहीं है। एक तो क्या होगा, डर के वजह से इरेक्शन नहीं होता, इरेक्शन आ गया तो इरेक्शन निकल जाएगा और फिर सेक्स होगा ही नहीं। ये देखिए कि हरदम चार सीज जो है वो आपने ख्याल में रखना चाहिए। नंबर एक, कंसेंट है कि नहीं दोनों का। नंबर दो, आपसी कम्युनिकेशन है कि नहीं, संवाद बराबर चल रहा है कि नहीं। रोमांटिक बातें करते हैं, संवाद बराबर करते हैं, आपको मालूम है सेक्स क्या है क्या नहीं है, मतलब ऐसा अनजाने में कुछ तो भी करके बैठे, ऐसा नहीं है। कंडोम आपने वापरा है कि नहीं फर्स्ट सेक्स में, क्योंकि कंडोम यदि आपको मतलब पति पत्नी और आपको बच्चा चाहिए तो बात अलग है, अदरवाइज कंडोम वापरना बहुत ही इसेंशियल है सेफ्टी के लिए भी। अनजान सेक्स पार्टनर है तो कंडोम तो वापरना ही जरूरी है। और फोर सी, मतलब फोर सी जो है वो केयरिंग है कि नहीं है, केयरिंग होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा आक्रामक होना, एक दूसरे को इजा करना, मतलब दर्द होगा ऐसा करना, तो ये करना गलत है। तो फोर सीज में कंसेंट, कम्युनिकेशन, कंडोम एंड केयरिंग, ये फोर सीज जरूरी है। अच्छा, वो लोग बहुत सवाल करते हैं कि क्या बहुत दर्द होगा पहले, इसमें हर्ट हो जाएगा। हर्ट होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दर्द होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, क्या ब्लीड होगा क्या पहले इसमें, ऐसा भी लोग पूछते हैं। ब्लीड होना भी जरूरी नहीं है। अच्छा, ब्लीड होता क्यों है, क्योंकि वजाना जो है, योनि जो है, तो योनि के द्वार पर, मार्ग पर पहले एक पर्दा रहता है, उसको बोलते हैं योनि द्वार पटल, उसको बोलते हैं हाइमेन। अब हाइमेन में काफ़ी सारे छेद होते रहते हैं, तो बिना पर्दा फटे भी इंटरकोर्स हो सकता है। तो जब बिना फटे इंटरकोर्स हो सकता है तो ब्लीडिंग होगा ही नहीं, हो सकता है ब्लीडिंग होगा भी, मगर उसमें लोगों के मन में जो डाउट्स है, देखे नहीं पहले सेक्स में पर्दा फटना जरूरी है और वो ब्लीडिंग नहीं हुआ तो फिर इसका मतलब वो वर्जिन लड़की नहीं थी, और वहाँ से फिर झगड़े झंझट चालू, डिवोर्स तक बात जाती है, तो वो भी एक आपका अज्ञान है और वो दूर होना जरूरी है। हो सकता है कि यदि आपने कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं ली तो शादी के पहले आपने हमारे जैसे सेक्सोलॉजिस्ट से बातचीत करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ सकते उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। यदि सर्कमसीजन करने की जरूरत, मतलब खतना जो बोलते हैं या सुन्नता करने की जरूरत है, तो वो करना जरूरी है, क्योंकि यदि स्किन बहुत ज़्यादा है और वो ग्लांस मीन्स को कवर कर रही है और पीछे नहीं आ रही है तो फिर तकलीफ हो सकती है। तो ये सब बातें जानना जरूरी है ताकि फर्स्ट टाइम सेक्स जो है वो एकदम अच्छा एक्सपीरियंस आपको होगा और ज़्यादातर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं फर्स्ट टाइम सेक्स में भी, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, स्पेशली यंग बॉयज़ को जिनके भी शादी होने की या जस्ट शादी हो चुकी है और सेक्स नहीं हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।